नमस्कार, कंट्रोल एस सेलिब्रिटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिसे ना तो कोई नाम की ज़रूरत है और ना ही कोई परिचय की। जी हाँ, उनका नाम ही काफ़ी है, श्री मुकेश रावल। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि एक वक्त था जब कोई सीरियल एक आती थी, उस सीरियल को देखने के लिए जैसे सब कुछ ठहर जाता था, जैसे कर्फ्यू ना लगा हो। जी हाँ, उसी सीरियल रामायण के श्री विभीषण का पात्र करने वाले मुकेश जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे। आपका स्वागत है मुकेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम। सर जी, मैं सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कहते हैं कि आप अपने शब्दों में कुछ कहिए, अगर मुकेश रावल के बारे में कुछ जानना है तो खुद कहे ऐसी कोई बात। मुकेश रावल विभीषण था, उसको तकरीबन 30 साल हो गए। उसके पहले मैं स्टेज से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, गुजराती ड्रामा मैंने तकरीबन 100 के ऊपर किए, गुजराती फिल्में 25-30 की, हिंदी फिल्में 15-20 की, और खुशनसीबी से मैंने अमिताभ बच्चन जैसे, राजकुमार जी जैसे, नसीरुद्दीन शाह जैसे, नाना पाटेकर जैसे नामी कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉई था रादर, यानी मैंने 1970 में बैंक ज्वाइन की और 31 साल तक बैंक में नौकरी की। 2001 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उसी वक्त से मैं कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तभी मैं स्पोर्ट्समैन था, ड्रामा वगैरह सब्जेक्ट में मुझे कोई रस नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इत्तफाकन मुझे किसी ड्रामा वाले ने बुलाया और मैंने ऐसे ही कर दिया। फिर देखा कि यार इसमें तो पैसे मिलते हैं, चलो ये करते हैं, क्योंकि मुझे एक बीवी है, 3 बच्चे हैं और अल्लाह के फकर से मुझे अभी 2 नातू भी पैदा हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं कला के क्षेत्र से जुड़ा। फिर मुझे शौक बढ़ता गया और आप लोगों के सहकार से, आप लोगों की दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। शुक्रिया सर। इतने सारे रोल आपने किए जी, उसमें अगर कोई पसंदीदा रोल कहना हो तो कौन सा रहेगा? पसंदीदा रोल अगर मैं कहूं तो सभी होते हैं, जिसमें मैंने काम किया वो सभी मेरे पसंदीदा रोल थे, क्योंकि वो सुन के ही, सिलेक्ट करके ही मैंने किए। फिर भी उसमें से मुझे मालूम नहीं है कि किसको, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। उसमें से सबसे पहले तो रामायण, क्योंकि वो मेरा बहुत ही पसंदीदा रोल इसलिए था कि मेरी माँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो राम की परम भक्त थी, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं राम के भक्त का रोल कराऊं, तो वो इतनी गदगदित हो गई, इतनी इतनी खुश हो गई कि उसकी आंखों में जो खुशी देख के मुझे इतना सुकून मिला कि अगर ये रोल मैंने किया तो मैंने मेरी माँ को मुझे जो देना चाहिए वो सब कुछ दे दिया। उसके बाद कई नाटक आए, जिसमें से कुछ डबल रोल थे, कुछ ट्रिपल रोल थे और कुछ बहुत ही सक्सेसफुल थे। उसमें से एक था चित्कार, जिसके मैंने तकरीबन 700 शो किए सुजाता मेहता जी के साथ। उसके पहले आया था अमे बर्फ ना पंखी, जिसमें भी सुजाता मेहता और मैं पहली बार 1973 में हम लोगों ने शुरुआत की करियर की, वो एक रोल था। फिर अधूरा औरता नाम का एक डबल रोल था, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हीरो एंड विलन दोनों रोल एक साथ में करते थे, जो महेंद्र त्रिवेदी का नाटक था और जिसमें मेरी हीरोइन थी चित्रा व्यास। उसके बाद एक कपट नाम का नाटक आया, जो तुम्हें आप सब लोग जानते हैं, कांति मड़िया जैसे बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर और लेखक, उनका एक ड्रामा था, जिसमें मैंने एक ट्रिपल रोल किया था।
तीनों में कपड़े यही थे लेकिन रूप अलग अलग था, ये अलग और ये तीनों करने में मुझे बहुत मज़ा आया। फिल्मों में काफ़ी किरण कुमार जी के साथ, नरेश कनौड़िया के साथ और उनके बेटे हितू के साथ, हितेन कुमार के साथ काफ़ी फिल्में की, उसमें भी बहुत मज़ा, क्योंकि वो बहुत ही सिलेक्टिव रोल ही करता था, साल में 4 फिल्में करता था। हिंदी फिल्मों में तो आपको अभी मैंने कहा जो चारों दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, जैसे कि तिरंगा, कोहराम, मृत्युदाता, पुलिस पब्लिक वगैरह मेरे पसंदीदा रोल थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी रोल करते हैं, ये सारे रोल पसंदीदा रहे, पर कुछ रोल ऐसे रह ही जाते हैं कि यार इसमें मैंने ठीक काम नहीं किया, मज़ा नहीं आया, ऐसा कोई अनुभव? हाँ, ऐसा भी होता है। जहाँ जहाँ सक्सेस होती है वहाँ वहाँ निष्फलता होती है। अगर निष्फलता होती नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे काफ़ी नाटक हुए जो दोषों में बंद हो गए, ऐसी काफ़ी फिल्में भी हुई जो 3 दिन तक नहीं चली, उसका नाम मैं नहीं देना चाहता क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए और जो आने वाले हैं उसमें भी मुझे डर ही तो लगता है पहले, रिलीज होने के पहले, कि ये चलेगा, ये ऐसा तो नहीं होगा जैसा पहले पास्ट में हुआ था ऐसा, तो वो तो एक डर रहता ही है जी। और एक मैंने सुना है, हर कोई जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसके साथ एक चीज़ बनी हुई होती है, जैसे कि डेनी डेंजोंगपा को पहले दिया गया था गब्बर सिंह वाला रोल और उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा गब्बर सिंह वाला रोल। हाँ, और फिर अमजद खान ने किया, उसके बाद आज की तारीख में गब्बर सिंह सब जानते हैं। तो ऐसा कोई रोल है जो आपने छोड़ा हो और फिर आपको अफसोस हुआ हो? जो मैंने छोड़ा हो और अफसोस हुआ हो, जैसे डेनी कहता रहता है कि मुझे अफसोस एक ही चीज़ का है कि मैंने गब्बर सिंह नहीं किया। हाँ, इस तरीके का कोई रोल आपको ऑफर हुआ और आपने मना किया हो? हाँ, मैंने एक ड्रामा था जिसमें अकबर बादशाह का रोल मुझे दिया गया था, मैंने बोला नहीं, मैं तानसेन का रोल करना चाहता हूँ। तो बोले कि नहीं, आप ये अच्छा, आपका जो चेहरा है, आपका ये है तजुर्बा है, आपका जो दिखाव है, उस हिसाब से आप राजा के रोल में अच्छे रहेंगे। तानसेन के रोल में तो गवैया भी चाहिए और बिरबल का रोल मैं करना चाहता था। बोले कि नहीं, वो तो इस कॉमेडियन को दिया है, तो बाद में लगा मुझे नहीं करना है। और बाद में अकबर का जो रोल हुआ तभी ये कोई दिखे नहीं उनके दरबार में, और वही रोल मुझे ऐसा लगा कि ये किया होता तो अच्छा होता। अच्छा, मिस किया हुआ आपने? हाँ, मिस किया। अब एक चीज़ सर, आपने तो हर फिल्म में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया, गुजराती में किया, भोजपुरी में भी किया है, हाँ, सीरियल्स भी की और ड्रामा भी किया, पर आपका पैशन क्या है? मतलब फिल्म रही, ड्रामा रहा, सीरियल्स रही, क्या आपका खुद का पैशन क्या रहा? दो हिसाब से देखा जाता है जी। सबसे ज़्यादा तो मुझे ड्रामा ही पसंद है, नाटक ही पसंद है जी। नाटक से ही मैं पैदा हुआ, नाटक से मैं आगे बढ़ा, और सीरियल इसलिए पसंद है कि उसमें आराम बहुत रहता है, तुम्हारे पर कोई जवाबदारी नहीं रहती है और धन ज़्यादा मिलता है। तो एक आखिरी सवाल सर, यूजुअली आपको सबसे पहले टेलीविज़न में, आप पहले ड्रामा करते थे, जैसे आपकी एंट्री हुई तब आप ड्रामा से हुए, टेलीविज़न में आना कैसे हुआ? टेलीविज़न में आना बहुत इत्तेफाकन हुआ जी। दो चीज़ एक साथ हुई। सबसे पहले गुजराती स्टेज देखने के लिए हिंदी सीरियल वाले आते थे जी। और हम लोगों को देख के हमें ऑफर करते थे जी। तो दो प्रोड्यूसर आए एक साथ, एक तो राजेंद्र भाटिया जिसमें अशोक कुमार जी मेन रोल करते थे, उस सीरियल का नाम था हम हिंदुस्तानी और उसका सब्जेक्ट था नेशनल इंटीग्रेशन, यानी हर एक कैरेक्टर, यानी जैसे तारक मेहता में एक मद्रासी था, एक पंजाबी था, एक हिंदी था, एक गुजराती था, एक सिंधी था, उस हिसाब से उस वक्त जी। तकदीर मेरी अच्छी थी कि उस वक्त मैं गुजराती ड्रामा में हीरो था, तो उन्होंने गुजराती का रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिलेक्ट किया जी। और आज की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस पद्मा रानी की डॉटर डेजी रानी,
वो मेरे सामने, वो भी उस टाइम हीरोइन थी काफ़ी ड्रामा में, तो हम दोनों ने कपल में एक गुजराती समाज को रिप्रेजेंट किया जी। वो देखने के लिए इत्तफाकन रामानंद सागर जी आए। रामानंद सागर जी अपने बेटों के साथ आए थे, तो उन्होंने मुझे शो के बाद बुलाया कि आप सीरियल में काम करना चाहते हैं? बोला क्यों नहीं, उसमें क्या है करना है, काम करने में क्या है, कि रामायण में आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? बोले मैं इंद्रजीत का रोल करना चाहूँगा, मुझे ऐसा बहुत पावरफुल आदमी था वो। कि बेटे तुम ऑडिशन दो। मैंने ऑडिशन दिया, बोले अभी ये कैरेक्टर का ऑडिशन दो। बोले ये कौन है? आप दीजिए तो सही, फिर देखते हैं। तो वो विभीषण का रोल था जी। वो दोनों मुझे उन्होंने दिखाए मॉनिटर पे, बोले कि आपका चेहरा सॉफ्ट है, यू हैव इमोशंस ज़्यादा है तुम्हारे में, गुस्से से ज़्यादा, ये रोल तुम करोगे तो मुझे खुशी होगी। मैं करूँगा, और तभी मुझे मेरी माँ याद आई। तो इस हिसाब से ये दोनों चीज़ें हुई। फिर उसके बाद फिल्मों में आना एक साथ साथ। हाँ, वो तुम अभी ड्रामा और सीरियल, सीरियल देखने से काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई हाँ। तो फिल्मों के जो लोग देखते थे वो लोग देखते थे कि अरे ये अच्छा रोल ये करता है अच्छा, तो ऐसे रोल के लिए मुकेश भाई, तो सामने से वो आते थे और वो मेरे दोस्त ही थे सब हाँ। अब्बास मुस्तान थे, मेहुल कुमार थे, प्राणलाल मेहता थे जो आज अभी नहीं रहे, बी आर इशारा थे। तो ये सब काम के साथ जब हो जाता था, बैंक में रजा नहीं मिलती थी हाँ। रजा लेनी है तो 15 दिन वो बोले चलो भाई नैनीताल, तो मुझे 15 दिन लॉसअप में हाँ। मैं काम कर, उसी फिर भी मैंने 30 साल तक काम किया, फिर नहीं कर पाया क्योंकि हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अभी रजा लोगे तो हम आपको निकाल देंगे, इसके बदले अच्छा है कि आप बेनिफिट्स लेके निकल जाओ, खुद ही रिटायर्ड हो जाओ, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो नहीं बैठा होता। सर इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद कई कुछ बुरी वाकया जिंदगी में भी बनी हुई होती है, कुछ काम में भी बनी हुई होती है, तो मैं नहीं चाहूँगा को खुरेदू, फिर भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपने दर्द को तो। किसके साथ नहीं बनता, हर किसी बुरा वाकया हर किसी के साथ बनता है, आपके साथ बनता है, मेरे साथ बनता है, ये देखने वालों के साथ बनता है, ये शूटिंग करने वालों के साथ बनता है। बेहतर यही है कि ये बना ही नहीं, ये घटा ही नहीं, ये समझ के इसको भूल जाओ। बहुत अच्छे सर, ये अल्लाह ताला ने, भगवान ने आपके लिए ये निर्माण किया था, ये अगर निर्माण किया है तो सुख भी निर्माण किया होगा, यू वेट फॉर द सुख आने के लिए, और ये भूल जाओ, आगे बढ़ो। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। हाँ, तो ये थे मुकेश जी, क्या जिंदा दिली आप देख रहे हो, कि बस मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बस ऐसे ही बहते गए, और आज हर कोई उन्हें जानता है। हम उनको फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहेंगे कंट्रोलर्स कॉर्नर की ओर से। थैंक यू।